लट्टी भाई नागरा साहब आनंदनगर से एक दिन का आश्रम से जुड़े हैं और मिले नहीं थे हम लोग, तक आश्रम में बहुत सारा हेल्प करते थे, वो पूरा अपना परिवार के साथ एलपीजी में ग्रुप बना नहीं पता नहीं पर बनाओ अच्छा नहीं इतने एक साथ है आपके साथ इतने सारे पे हाथ है आपके साथ में तो एलपीजी बहुत अच्छा वर्ड भी है तो मैं बहुत बहुत आभारी अति दूंगा और आनंदाता का जो इस जगह पे आए उसके बारे में मैं थोड़ा दो मिनट बात करना चाहूँगा क्योंकि ये कोई बिजनेस नहीं है। अनाथ लोग जो रोड पे भटकते हैं कोई आदमी में 14 साल तक संभाल रहा हूँ और इसकी प्रेरणा मेरी मम्मी ने दी है। मम्मी का उम्र 106 साल है, अब 12 बच्चे की माँ है, मैं 11वां बेटा हूँ और मैंने उनमें छोटे खड़ा किया। मैं 20 साल आर्मी में था, कारगिल के वार में था, कारगिल के वार में मेरे पेड़ में गोली नहीं तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ फिर भी बच गया क्योंकि ऊपर वाले को मेरे से कोई अच्छा कार्य करवाना था इसलिए मैं बचा हूँ। और ऐसे ऐसे जो अपना पुलिस स्टेशन मानिकपुर का मानिकपुर से वेस्ट वाले हैं कम से कम 20-25 आदमी है यहाँ और बिल्डिंग का काम चालू होने वाला है। आप जब भी आओगे नेक्स्ट टाइम तो बिल्डिंग मिलेगी आपको। बिल्डिंग बनाना इतना ईजी नहीं है, किसी को पैसा नहीं मांग सकता। मैं आर्मी से हूँ, आपको कभी नहीं बोला मेरे को पैसा दे दो बस 500-1000। कभी कभी आपने पोस्टर या कहीं कोई घूमता हुआ नजर नहीं आया होगा इस आश्रम के नाम से, पर ऊपर वाला दे रहा है, मम्मी का बड़ा ब्लेसिंग है और बाकी सब इनका आशीर्वाद। बाकी आदमी को ब्लेसिंग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, पैसा होने से भी कोई साथ में नहीं लेके गए। कोरोना में इतने सारे डेथ हुए, भगवान के पास गए पर कोई कुछ साथ में नहीं लेके गया। पर मेरे साथ मेरे आदमी है, भगवान है मेरे साथ, मेरे को कहीं ऊपर जाओ नीचे जाओ मेरे लिए तो एक जैसा ही है। तो फर्स्ट वैक्सीनेशन किया, किसी का आधार कार्ड नहीं है, मैंने 140 अनाथों का वैक्सीनेशन किया पर मैं अपने लिए 3 बार चक्कर काटे थे। आपको पता धन्यवाद क्योंकि हमें ये मौका दिया कि हम आपसे मिल सकें। अपनी दुनिया में हम इतने व्यस्त हैं कि कभी लाइफ कैसी होती है ये हम समझ ही नहीं पा। अपनी मस्ती में मत जिए जा रहे हैं पर जब यहाँ का नजारा देखा तो पता चला कि ईश्वर है तो बस यही है, यही है, यही। हम भी आपकी तरह ही हैं, आप इधर मंदिर में जी रहे हैं और हम घर को पिंजरा मान के पिंजरे को ही महल मान रहे हैं और उसी में जी रहे हैं। बहुत सी सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध है सर जी, सारी चीजें हैं लेकिन फिर भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी पाए जा रहे हैं। जी हाँ, लेकिन आप लोग का संतोष देख के अच्छा लगा और यहाँ बार बार आना चाहेंगे। आप मौका दीजिएगा हमें भी सेवा करने का क्योंकि हम भी प्रभु की सेवा ही करना चाहते हैं और हमें अब पता चल गया है कि प्रभु यहाँ है तो हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हरे करम अपना करेंगे, हरे करम अपना करेंगे, ऐ सनम तेरे नमो वचायणम नमो लोय सव साहूणम एसो पंच नमुकार सव पापनाशनम मंगलाणं च सवेसिं परमं हो मंगलम अंगुठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित कविताकार बोलिस जैनम जयति शासनम अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं हम मीरा
के जैसे बुलाते नहीं। हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। जानकी वल्लभम ओ राम नारायण, जानकी वल्लभम। सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। शोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम। आपको कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इतना ये फौजी होके भी इतना सेवा करते हैं यहाँ से। आपका नाम? चंचल बेन नागड़ा और वल्लभ जी भाई वही करता है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, यहाँ तो बार बार आना जरूरी है ऐसा लगता है। फेब्रुवरी में वापस आएंगे, फेब्रुवरी जरूर आएंगे वापस, जो इच्छा हो करके सहायता करेंगे।